Hello learners, welcome back to my YouTube channel. Here I come with your history chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Dear students, इससे पहले हम अपने चैप्टर में सोशल चेंजेस, जार निकोलस का शासन, वहाँ की फिजिकल फीचर्स, रशिया का रिलीजन्स, वर्कर्स की कंडीशंस और पीजेंट का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं. सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है सोशलिज्म इन रशिया. स्टूडेंट्स, 1914 से पहले रशिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना इलीगल माना जाता था, लेकिन कार्ल मार्क्स जैसे सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए रशिया के अंदर एक रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म की गई 1898 में. लेकिन जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बनाना अलाउड ही नहीं था, तो ये भी अपने सारे काम इलीगली ही ऑपरेट करती थी. ये पॉलिटिकल पार्टी अपना एक न्यूज़पेपर्स निकालती थी और उसी न्यूज़पेपर के जरिए ये वर्कर्स की सारी स्ट्राइक्स को कंट्रोल करती थी. लेकिन कुछ सोशलिस्ट ऐसे भी थे जो वर्कर्स पे नहीं पीजेंट्स पे फोकस कर रहे थे. उन सोशलिस्ट को लगता था कि ये पीजेंट्स का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो आइडिया है यही सोशलिज्म है और इसे हमें पूरे यूरोप में फैलाना है. ये सोशलिस्ट चाहते थे कि पीजेंट्स को रेवोल्यूशनरी फोर्स बना दिया जाए. यदि सोशलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए पीजेंट्स हमारी रिवॉल्यूशनरी फोर्स बनेंगे तो रशिया पूरे यूरोप में सबसे पहले सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा. इसीलिए द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900 में इस्टेब्लिश की गई, जो कि वर्कर्स के राइट के लिए फाइट करती थी. और इस पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड थी कि नोबल्स के पास जो भी लैंड है वो नोबल्स के पास नहीं होनी चाहिए, वो लैंड पीजेंट्स की है और पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए. लेकिन वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो सोशलिज्म के आइडियाज़ को तो फॉलो कर रहे थे लेकिन पीजेंट्स को रेवोल्यूशनरी फोर्स बनाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, और वो व्यक्ति थे व्लादिमीर लेनिन. लेनिन को लगता था कि किसी भी रेवोल्यूशन की रेवोल्यूशनरी फोर्स को यूनाइट होना चाहिए, जबकि फार्मर्स या पीजेंट्स ऑलरेडी टू ग्रुप्स में डिवाइड हैं. तो जो खुद बटे हुए हैं उन्हें हम एक कैसे रेवोल्यूशनरी फोर्स बना सकते हैं. लेनिन को लगता था कि पीजेंट्स को सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट ही नहीं होना चाहिए और इन्हीं बाइफर्केशंस की वजह से जो पार्टी थी वो सोशलिस्ट पार्टी टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गई. एक थे मेंसेविक्स और सेकंड थे बोल्शेविक्स. व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक्स पार्टी को लीड कर रहे थे. बोल्शेविक्स पार्टी के लीडर लेनिन को लगता था कि जो जार है वो एक डेस्पोट और एब्सोल्यूट किंग है, और ऐसे किंग के अंदर यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग होना है, यूनाइट होना है, तो ज़रूरी है कि उसके सारे मेंबर्स यूनाइट होकर रहें, डिसिप्लिन्ड रहें. सेकेंड इम्पॉर्टेंट, उन्हें लगता था कि हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सारे मेंबर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी का पता होना चाहिए, जबकि जो मेंसेविक्स थे उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल ही डिफर थी. मेंसेविक्स का कहना था कि पार्टी के अंदर जो भी मेंबर शामिल होना चाहे उसका वार्म वेलकम होना चाहिए, पार्टी ओपन टू ऑल होनी चाहिए. देन ट्रिबुलेंट टाइम आता है, 1905 का रिवॉल्यूशन. फ्रेंड्स, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, रशिया एक ऑटोक्रेटिक कंट्री था, मींस वहाँ पर जो किंग था वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं था, और ऑटोक्रेटिक कंट्री के अंदर सारी पावर किंग अपने अंडर कंट्रोल करके रखता है. तो जार निकोलस सेकंड भी 20th सेंचुरी तक पार्लियामेंट का पार्ट नहीं था,
हालांकि लिबरल्स ने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे कि इस सिचुएशन को चेंज किया जा सके। उन्होंने नेशनलिस्ट और जार्डिस्ट, जार्डिस्ट वो मुस्लिम होते हैं जो जिहाद की आइडियोलॉजी को एडवोकेट और उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लिबरल्स ने नेशनलिस्ट और जार्डिस्ट के साथ साथ वर्कर्स और पीजन्स को भी साथ मिलाकर 1905 में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, लेकिन जो 1904 का ईयर्स था वो वर्कर्स के लिए बहुत बुरी सिचुएशन लेकर आया था। वर्कर्स की असेंशियल नीड्स, जो असेंशियल्स प्रोडक्ट्स थे, उनकी प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी, और जब बात उनके वेजेस की आई तो वो ऑलरेडी 20% डिक्रीज हो चुके थे और भी डिक्रीज हो रहे थे, जिससे उनके सामने खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। ऐसी सिचुएशंस में उन्होंने भी अपनी असेंबली बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसी ही एक असेंबली बनी 1904 में, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। इसी एसोसिएशन के 4 मेंबर्स को पुटिलेव आयरन वर्क्स कंपनी से निकाल दिया गया और नेक्स्ट ही डे उन मेंबर्स ने रिवॉल्यूशन करने का डिसाइड कर लिया और नेक्स्ट डे 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग के सब स्ट्राइक पर चले गए और ये डिमांड कर रहे थे कि इनके वर्किंग आवर्स को रिड्यूस किया जाना चाहिए 10-12 to 15 आवर्स से लेकर के केवल 8 आवर्स ही होने चाहिए, इनके वेजेस भी बढ़ाए जाने चाहिए और इनकी वर्किंग कंडीशंस को भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए। इन वर्कर्स के मूवमेंट को उस समय पर लीड कर रहे थे फादर गैपोन, जो कि इन वर्कर्स के साथ एक जुलूस लेकर विंटर पैलेस की तरफ जाने का डिसाइड किया, ताकि विंटर पैलेस में जा कर के किंग जार को सिचुएशन समझाई जा सके। लेकिन किंग जार बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जाए, तो उसने पुलिस और कोसैक्स को बुला लिया। कोसैक्स एक मिलिट्री फोर्स होती है जो कि अपनी हॉर्स राइडिंग और अपनी मिलिट्री टेक्निक्स के लिए फेमस होती है। नेक्स्ट ऑन 20th January 1905, हालांकि जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ही पीसफुल था, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फोर्स थी उन्होंने उन सिटीजन्स, उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर ओपन फायर कर दिया, जिससे 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वर्कर्स घायल हो गए। ये सारा इंसिडेंट संडे के दिन हुआ था, इसीलिए उस डे को ब्लडी संडे कहा जाता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ब्लडी संडे क्या था। वर्कर्स अपनी डिमांड को लेकर विंटर पैलेस जा रहे थे, जिसे फादर गैपोन लीड कर रहे थे, लेकिन जार निकोलस सेकंड ने आर्मी और कोसैक्स के जरिए उनके ऊपर ओपन फायर किया, जिसमें 100 वर्कर्स मर गए और 300 घायल हो गए। दैट डे वॉज संडे, इसीलिए दैट इज कॉल्ड द होल इंसिडेंट इज कॉल्ड एज ब्लडी संडे। इस इंसिडेंट के बाद से पूरे रशिया के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के में जाना बंद कर दिया, तो यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। उसके साथ साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स सब ने मिलकर यूनियन ऑफ यूनियंस बनाई और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। हालांकि जार कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो आर्मी के से रिलेट करते थे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जार से मिलने जाते हैं और जार एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट फॉर्म करने के लिए मान जाता है, जिसके कहा जाता है ड्यूमा। जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है, तो रशिया की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। इस बहुत सारी यूनियंस अब अनऑफिशियली वर्क करने लगी थी, हालांकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन जार निकोलस सेकंड ने 75 डेज़ के अंदर ही फर्स्ट ड्यूमा को डिसमिस कर दिया और उसके 3 महीने बाद सेकंड ड्यूमा को इलेक्ट कर दिया। अब
जार निकोलस सेकेंड ने वोटिंग लॉज में चेंज करके सेकेंड डूमा को भी डिसमिस कर दिया और थर्ड डूमा को इलेक्ट किया, जिसके अंदर सारे पॉलिटिशियंस कंजर्वेटिव्स थे। जितने भी लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज थे, कोशिश की गई कि वो डूमा से बाहर ही रहें। तो स्टूडेंट्स, अब आप 1905 का रिवॉल्यूशन और ब्लडी संडे का इंसिडेंट अच्छे से समझ चुके हो। ड्यूमा को क्यों इलेक्ट किया, जार के पीछे इसका क्या मोटिव था, वो भी आप समझ चुके हो। तो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप माय वीडियोस विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। इफ दीज वीडियोस आर मोटिवेटेड टू यू फॉर स्टडीज, then give me a big thumbs up, subscribe my channel, and don't forget to press the bell button. Have a good day.